आउज़ बिल्लाह मिनश शैतान रजीम, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। मेरे प्यारे बहनों और भाई, उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। दुआ करती हूँ कि अल्लाह पाक आपकी तमाम परेशानियाँ ख़त्म कर दे। आपने शरायत सुन लिए होंगे, उन शरायतों के ऊपर अमल करते हुए आपको आज मैं अमल बताती हूँ, वो अमल आप लाजम कीजिएगा। बहुत ही नायाब, बहुत ही आला किस्म का अमल है। देखिए, ये अमल जितने भी पेश किए गए हैं, आप लोगों की ख्वाहिश पर पेश किए गए हैं। आप चाहते थे कि जो मिनटों में हाजिरी हो उनका अमल हमें मिले, तो ये जो तमाम अमल आपके साथ पेश किए जा रहे हैं, ये तमाम जल्दी हाजिरी करने वाले अमल हैं, इनकी कदर कीजिएगा। आज अपने अमल की तरफ, अमल की सबसे पहले अजामत सुन लें। ला इलाहा हिला इल्लल्लाह का वसीला, ला इलाहा हिला इल्लल्लाह वसीला, मुहम्मद रसूलल्लाह मेरा वकीला। हाजरात को हाजिर करो इसराफीला। इस अबारत को, इस अजामत को 41 से या 21 बार अव्वल आखिर 11 मरतबा दुरूद इब्राहिमी पढ़कर मगरिब से पहले आपने अगरबत्तियां सुलगाकर, पाक साफ कपड़े पहनकर और खुशबू लगाकर आपने बैठ जाना है और अमल शुरू कर देना है। कम से कम मगरिब की अजान से आधा घंटा पहले आप बैठेंगे और हाजराती जो अभी जो मैंने स्याही आपको बताई है वो आपने तैयार पहले से कर लेनी है, और आपने नाखून पर और या फिर हथेली पर गोल दायरा बना लेना है और पढ़कर जो मैंने ऊपर अजायमत बताई है पढ़ पढ़कर आप उस पर फूंक मारते रहेंगे। जब तक पढ़ाई करते रहेंगे, फूंक मारते रहेंगे, जब तक हाजरात मुकलीन का नजूर नहीं हो जाता। तो अगर आप चाहते हैं कि ये अमल किसी बच्चे पर करवाया जाए, तो वही तरीका जो आपके लिए है बच्चे के लिए है, नाबालिग बच्चा ले और उसके हाथ पर काजल लगाएं, काजल का दायरा बनाएं, उसमें हाजराती जादुई स्याही लगाएं, उसमें थोड़ा अतर लगाएं ताकि चमक पैदा हो जाए, और फिर आप बच्चे के ऊपर 41 या 21 मरतबा जो ऊपर आपको जायमत बताई गई है पढ़कर फूकें। तो फिर जैसे ही बच्चे के ऊपर हाजरात का नजूल हो, तो उसके जरिए अपने मुश्किल अमूर के बारे में मालूमात हासिल कर सकते हैं, हर सवाल का जवाब तसल्ली बख्श मिलेगा इंशाल्लाह। हर अमल अपनी जगह एक मुकाम रखता है। अमलों के बहुत से अदाब हैं जो पहले भी आपके साथ पेश कर दिए गए हैं, आप उन अदाब को देखकर अमल को शुरू कर सकते हैं। बेहतर तो यही है कि आप अदाब और शराइत की जो वीडियो पोस्ट की गई है वो लाजमन देखें। परहेज मैंने कुछ बता दिया है, शरायतों में परहेज जलाली जमाली का भी जरूर इस्तेमाल करें, और हाजराती स्याही कैसे बनाई जाती है ये वीडियो के साथ भी आपके के साथ शेयर कर दी जाएगी कि हाजराती स्याही का इस्तेमाल कैसे किया जाता है। अगर आप चाहते हैं कि ये अमल मुकम्मल आपके पर कामिल हो, तो आपने 11 दिन तक ये अमल करना है। हिसार और ज़कात और इजाजत का तरीका, जैसे कि शरायत आपके साथ शेयर किए गए हैं, परहेज जमाली सिर्फ आप करेंगे, जलाली परहेज नहीं करेंगे, तो 11 दिन तक आप ये अमल मगरिब से पहले करते रहेंगे, तो इंशाल्लाह एक दो दिन या तीन चार दिन के अंदर अंदर, किसी भी ताक दिन के अंदर अंदर हाजरात मुकलीन का नजूल हो जाएगा। इसी के साथ इजाजत चाहते हुए अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें और सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली तमाम वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आसानी मिल जाए। आने वाले बहुत ही नायाब अमल आपके साथ पेश किए जाएंगे, ये बहुत ही बाकमाल होंगे। इजाजत दें, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।